सीधे आपको लखनऊ का रुख करवाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्या कुछ कह रहे, सुनिए। को अपने अंदर समेट करके जब अपनी अद्भुत कृति से समाज के सामने, देश के सामने अपने पुरुषार्थ को प्रकट करता है तो एक सफल उद्यमी के रूप में उसकी गिनती होती है। और विश्व उद्यमिता दिवस और नागपंचमी का अद्भुत संयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका लाभ विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी लिया है कि उनको 34 साल इस सेवा में कार्य करते हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनको भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों को यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और यह भी सही था कि सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन आज से 6 वर्ष पहले यह बीमारू प्रदेश भी था। कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों में भय पैदा होता था। लेकिन आपने पिछले एक सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है, सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में आकर्षित करने वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश बैंकों से सबसे अधिक उद्योगों को धनराशि देने वाला प्रदेश बन गया है और आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। यह अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व तो है ही, साथ साथ उस मार्गदर्शन और नेतृत्व से प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना के साथ जोड़ करके अपने प्रत्येक जितने भी हमारे इन्वेस्टर पार्टनर थे उन सभी इन्वेस्टर पार्टनर्स को सुरक्षा को जो विश्वास दिलाया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देश और दुनिया के सामने जाना जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2018 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश ने उससे पहले अपने प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने एक नई योजना प्रारंभ की थी और योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, उपेक्षित पड़े हुए एमएसएमई सेक्टर को, उपेक्षित पड़ा हुआ क्षेत्र था, दम तोड़ रहा था, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कहीं पे विद्युत विभाग का, कहीं पर किसी अन्य विभाग की उपेक्षा का दंश झेलना था और उनकी प्रताड़ना से त्रस्त होकर के हमारे उद्यमी प्लान कर रहे थे या अपने कारोबार को समेट करके कुछ और दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। और तब हमारी सरकार ने तय किया था कि नहीं, अगर औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में हमें स्थापित होना है तो हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और हमारी ताकत है
एमएसएमई के क्लस्टर जो उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद थे, सैकड़ों वर्षों की जो विरासत हमारे पास है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कहा था, क्या अगर हमें विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों से मुक्ति और विरासत का सम्मान ये आवश्यक है। और ये विरासत ही है इस क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश को परंपरागत रूप से जो कुछ प्राप्त हुआ था, एमएसएमई का एक क्लस्टर अलग अलग क्षेत्रों में लगभग बंदी के कगार पर था, और आज मुझे प्रसन्नता है पिछले 6 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 3 गुना कर दिया है। अगर हम मात्र 6 वर्ष में 3 गुना अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कोई कारण नहीं कि कोविड जैसी महामारी का मुकाबला करते हुए अगर उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 3 गुना होता है, कोई कारण नहीं कि आने वाले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी न बने। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या बदला है। उनको बताइए सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो लखनऊ से